नमस्कार, मैं सुजल दवे। एक सीरियस बात है, 8 मार्च यानी महिला सम्मान दिवस गुजर गया है। इस दिन नारी तो नारायणी और हैप्पी वुमेन्स डे कहने वाले सभी पुरुषों को बेनकाब करती वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आ गई है, जिसमें भारत को 140वां नंबर मिला है, वो भी 156 देशों की सूची में, है ना कमाल। और बोलो हैप्पी वुमेन्स डे। पिछले साल भारत 112 नंबर पर था, इस बार 140 पे आ गया है, यानी भारत 28 पायदान पीछे चला गया है। यह वाकई जो चिंता और चिंतन का विषय है, अगर कोई करना चाहे तो। 405 पन्ने की यह रिपोर्ट है, जिसके 10-15 पन्ने पढ़कर मैं आया हूं। जहां तक पढ़ा है उसमें भारत की स्थिति कुछ खास नजर नहीं आ रही। बोलते हुए तो अच्छा नहीं लग रहा, पर भारत से अच्छी हालत तो बांग्लादेश की है, इसके लिए बांग्लादेश को भी बधाई। आगे चर्चा करें इसके पहले आपको समझाना चाहिए कि जेंडर गैप क्या है। सरल भाषा में आप समझना चाहे तो आप कह सकते हैं महिला और पुरुषों को अलग अलग जो अवसर मिलते हैं उसके बीच का अंतर। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम ये रिपोर्ट तैयार करता है तब 4 बातों को अपने ध्यान में रखता है, अपने रिसर्च के दायरे में लेता है, जिसमें आर्थिक मामलों में महिला की साझेदारी, शिक्षा के अवसर और सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा और राजनीति में महिलाओं को मिलते अवसर, इन्हीं 4 बातों को ध्यान में रख के रिसर्च होती है और बाद में ये रिपोर्ट जारी की जाती है। रिसर्च में बाहर आया है कि इन 4 क्षेत्रों में अवसर देने की बात आती है तब महिलाओं को पुरुषों समान अधिकार या भूमिका नहीं मिलती। भारत में जेंडर गैप 62% जितना है, यानी पुरुषों को जो अवसर मिलता है उससे 62% कम अवसर हम महिलाओं को देते हैं। है ना कमाल की बात, तो बजाओ ताली। औरों की छोड़ो, हमारी संसद में भी महिलाओं को केवल 14.4% ही जगह मिली है। इसका सीधा मतलब है कोई भी राजनीतिक दल महिलाओं को आगे लाना नहीं चाहता। बात सब करते, बातें सुनकर लगता है नेताजी मन से सीधे महिला मंदिर बनाने जाएंगे, पर होता कुछ नहीं है। भारत की इसी स्थिति पे गुजरात की मीडिया जिस तरह से खामोश है, इसे देख के लगता है होली की छुट्टी पर गए सारे मीडिया हाउस दिवाली मनाकर ही लौटेंगे। मीडिया के लिए हैप्पी हॉलीडे। भारत की इसी स्थिति के लिए हम पुरुषों की जिम्मेदारी है। देश के संसद में महिला सांसद रेणुका चौधरी की हंसी जब प्रधानमंत्री को रामायण काल की याद दिलाने लगे तब समझना चाहिए कि हम ग्लोबल जेंडर गैप की सूची में और नीचे जा सकते हैं। आज हम इसी विषय पर बात करना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि कौन से कारण है जिसने भारत को इस सूची में अंतिम पड़ाव पर रखा है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़िए सामाजिक कार्यकर्ता रुझान खंबादा और डॉक्टर आवा शुक्ला, जो वैश्विक स्तर पर महिला अधिकारों को लेकर लेख लिखती रहती है। आवा अहमदाबाद में पत्रकारिता विभाग में HOD के पद पर भी सेवा दे रही है। आवा पहली बार जुड़ी है, और रुझान जी आप भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का मैं सबसे स्वागत करता हूं, और रिपोर्ट के परे हटते हुए आपका सम्मान करते हुए मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा। शुरुआत में आवा से करूंगा। रुझान, आप कई बार मेरे शो में आ चुकी है, तो पहला मौका मैं आवा को देना चाहूंगा। आवा, जो रिपोर्ट आई है वुमेन्स और जनरेशन जेंडर गैप की, उसमें कुछ महिलाओं की स्थिति को लेकर भारत की स्थिति कुछ मुझे कमजोर सी नजर आ रही है। 156 देशों की सूची में हमारा 140वां नंबर है, ये वाकई चिंता और चिंतन का विषय है। आप अगर अध्ययन करें, मैं तो पूरा रिपोर्ट अध्ययन करके नहीं आया हूं, पर अगर आप अध्ययन करें तो आप किन वजहों को इसके लिए आप जिम्मेदार मानती हैं? नमस्ते सुजल जी। राष्ट्रों की बात करें, जैसे आपने रिपोर्ट की बात की, तो रिपोर्ट वाकई में बहुत हमारे लिए एक अलार्मिंग रिपोर्ट है। हमको इंट्रोस्पेक्शन करने का टाइम अब आ गया है जी। राजकीय माहौल की अगर हम पुराने जमाने से अगर देखें, जबकि आज जो शासक पक्ष है वो पहले विरोध पक्ष था जी, विरोध पक्ष शासक पक्ष में आया है। हम तब से महिला अनामत बिल करते हैं। मैं शुरुआत अनामत बिल से कर रही हूँ, क्योंकि हम उस समय से लेके आज की भी तुलनात्मक अगर बात करें जी, तो हम वो आज भी क्लियर नहीं कर पाए हैं। हम वही करते हैं, हमारे देश की अगर बात करते हैं तो हम रिजर्वेशन वर्ड को ऐसा पकड़ के रखा है हमने कि रिजर्वेशन वर्ड के हिसाब से ही हम आगे बढ़ते हैं जी। जहाँ पे कंपलसरी महिलाओं को सीट देनी है, जहाँ पे कंपलसरी महिलाओं को दायित्व देना है जी। आज हम अलग अलग राज्यों में, गुजरात भी एक इलेक्शन के दौर से निकला है,
दूसरे स्टेट्स में भी इलेक्शन चल ही रहे हैं अब जी। अगर हम देखें तो जहाँ पे रिजर्वेशन है हम मेयर भी वहीं पे बनाते हैं, हम कॉरपोरेटर भी वहीं पे बनाते हैं, हम एमएलए भी उधर बनाते हैं। उस अलावा क्या, कोई भी कॉरपोरेशन होती है तो उसका स्टैंडिंग कमिटी का चेयरमैन बहुत महत्वपूर्ण ओहदा है जो काफी सारी पॉलिसीज के साथ जुड़ा रहता है। हम क्यों वो ओहदे को महिला कर सकते, कोई एक भी महानगर की बात करें हम, तो जो पॉलिसी की बात है, मैं धीरे से आपके जो पूरा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे भी आऊंगी, पर जो मुझे भारत में अभी लगता है हम पहले उसकी चर्चा कर रहे हैं। जी जी जी, अब बोलिए। महिला सक्षम की बात करते हैं तो सक्षम महिला देखी जाती है, जब हम पुरुष को टिकट देते हैं हम वो देखते हैं कि सक्षम है, हम कास्ट को गिनते हैं, हम राजकीय कैलकुलेशंस को पॉलिटिकल गिनते हैं, सक्षमता की बात हमेशा भूल जाते हैं। कंपैरेटिव अगर हम देखते हैं तो कोई भी पार्टी है तो जी कारोबारी होती है, चाहे वो कोई भी, मैं किसी वो टीका टिप्पणी नहीं कर रही, अगर पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो प्रमुख सिटी के प्रमुख होते हैं, ग्राम्य विस्तार के प्रमुख, कारोबारियां बनती है, कहाँ पे संगठन में महिला प्रमुख का नाम हम किसी भी पार्टी में देखते हैं। तो क्या हम, ये बड़ा प्रश्नार्थ है हमारे कि क्या राजकीय माहौल में महिलाओं को सिर्फ रिजर्वेशन के साथ जुड़े हुए और ही चाहिए। पूरे भाई आज हम देखें तो एक महिला सीएम है, अगर हम कोई पॉलिटिकल वो नहीं देखें, और वो महिला सीएम पार्टी पॉलिसी के हिसाब से नहीं है, वो अपनी अहमियत वो अपनी लायकात से बनी हुई सीएम है। हमारे सामने बहुत महिला राजकारणियों के उदाहरण है, सुमित्रा महाजन, आनंदी बहन है, आशा पटेल जी है, शीला दीक्षित है, मोहिनी गर्ग है, मृदुला सिन्हा है, किरण बेदी जी है, नजमा सारी सफल है, पुरुषों की तुलना में सफल है जी। की अगर बात करें तो ये सब स्त्री सशक्तिकरण के उम्दा उदाहरण जो हमारे सामने है जी। हमारी परिस्थिति आज के माहौल में हो गए कि हम पालन और आचरण और बोलना ये तीनों में बहुत बड़ा गैप लेके चल रहे हैं। हमारे सामने हम 30% के अनामत में भी जो है, तो बैकसीट ड्राइवर्स उसके कौन है हम सब अच्छे से जानते हैं, सब बहुत घिसी पिटी बातें, पर इसका भी चिंतन आवश्यक है। ये इसका चिंतन करना बहुत जरूरी है। हम बहुत बड़ी बड़ी सूफियानी बातें कर, एक लास्ट तीन शब्द मैं आपको बोलती हूँ फिर आप मुझे बताइएगा। हम राष्ट्रकारण की बात करते हैं, हम राजकारण की बात करते हैं, समाजकारण की बात करते हैं, पॉलिसी की बात करते हैं, कहीं पे भी महिलाओं को पॉलिसी डिसीजन अगर जब दिया जाएगा, आज बांग्लादेश और आयरलैंड की बात करते हैं हम, बांग्लादेश जो एशिया का नंबर नंबर और आइसलैंड जो नेशनल लेवल बन रहा है, उन दोनों के अगर आप सफल होने के रीजन देखें या जीडीपी रेशियो में टॉप पे आने का हम देखें, 5 फैक्टर्स में जो एनालिसिस हुए, इकोनॉमिक, एजुकेशन, हेल्थ, पॉलिसी मेकर्स इंप्लीमेंटेशन, ये सब जगह पे महिलाओं को इक्वल चांस दिया गया है। बिल्कुल, वो चांस कहीं पे हम भारत में नहीं दे पाए, तो क्या हम भारत में इस चीज का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते? एज फैक्टर बनाते हैं, आज हम सब आनंदी बहन के नाम से खूब अच्छे से परिचित हैं जी। तो 75 इयर्स का जो नियम था लागू किया गया जब वो सीएम थी, तब लोगों ने बहुत प्रशंसा की, बहुत यंगस्ट का वो मिलका मिलेगा। सुजल जी मैं आपसे पूछती हूँ, आज पूरे इंडिया में अगर हम एनालिसिस करें कितने पुरुष ऐसे है जिन 75 इयर्स का नियम लागू किया गया, तो हमको सक्षमता देखने के है। श्रीधर आनंद केरल के जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है। यदि रूपा साहब तो हम सामाजिक उसमें भी, मैं खुद एक जॉब करती हूँ साथ में, तो हम हमेशा देखते हैं कि भाई जहाँ पे एक ऊपरी लेवल पे महिला होती है, हम उनको अगर इम्प्लीमेंटेशन करवाने की बात करें, काम करवाने की बात करें, तो एक वो ईगो फैक्टर आज की तारीख में भी हमारे उसमें है। हम एक भारत में एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक, बहुत बड़ी बात है, आदरणीय बड़ा प्रधान जी इसकी बात भी करते हैं, पर इम्प्लीमेंटेशन की बात हमारे हाथ में है, जहाँ पे कहीं से चूक हो रही है। ठीक है जी, मैं आवाज रोकना चाहूंगा, मैं जरा रुझान जी से भी इसकी वजह जान लूं ताकि चर्चा थोड़ी खुल के हो सके। रुझान जी, आपको क्या वजह नजर आ रही है
जो रिपोर्ट में 140 नंबर के पायदान पे हम चले गए, तो आप भी खुद एक महिला कार्यकर है, सामाजिक कार्य करें, कई किस्सों को आप न्याय करती है, मैं बहुत करीबी से आपको जानता हूं, तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आपको क्या क्या वजह नजर आई। सरप्राइज एंड अलार्म, हाँ, कि ये जो एको आ रहा है, हेलो जी मैं सुन रहा हूँ। अच्छा मुझे एको आ रहा है, ओके। आई वाज सरप्राइज एंड अलार्म कि जिस तरह का अभी जेंडर गैप की हम बात कर रहे हैं जी, और जो हमने आगे जाने से बदले हम लोग पीछे जा रहे हैं। हाँ, अगर लास्ट ईयर 2020 की बात करें तो हम लोग उससे बेटर स्टेट में थे, और आप ही ने बताया कि हमने पायदान पीछे गए। एक्चुअली ये सुन के ऐसा लग रहा है कि हम इतने सारे एनजीओ कार्यकर्ता ने इतनी मेहनत की बहनों के लिए कि भी हम बहनों को अपना न्याय दिलावे, हक दिलावे, जॉब में इक्वालिटी लावे, तो थैंक्स टू कोविड जो जॉब में इक्वालिटी थोड़ी थोड़ी भी आई थी, ये तो कोई आई नहीं थी, लेकिन जो थोड़ी आई थी, अगर कोविड के बाद देखा जाए तो सबसे ज्यादा बहनों ने जॉब लूज की, भाइयों ने भी लूज की थी, लेकिन फिर भाइयों ने तो मिल गई उनको वापिस, लेकिन बहनों को अभी और भी उनकी जॉब लॉस चल रही है। अगर हेल्थ की बात करें तो सबसे ज्यादा हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स देखा जाए तो हमारी बहनें थी। अगर आप हॉस्पिटल के नर्सेस देखो, डॉक्टर्स देखो, आप स्वच्छता अभियान के स्वच्छता के हेल्थ केयर वर्कर्स देखो, सब फ्रंटलाइन वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, सारे तो हमारी बहनें थी जो अपना घर बार मैं तो बोलूँगी त्याग करके, क्योंकि यहाँ पे इतनी सेवा दे रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में भी हमें ये सुनने में आ रहा है कि जब हमारी फ्रंटलाइन वर्कर बहन को कोविड होता है तो उसके पति पैसा मांगते हैं कि उनको वापस लेंगे, 10 लाख रुपए मिलेगा नहीं। यानी हमारे देश की ये स्थिति है। अगर हम उसकी बात करें, क्या कहते हैं, हेल्थ की बात करें, अगर हम इतने सारे पोषण अभियान चला रहे हैं बच्चों की हेल्थ के लिए, बड़ों की हेल्थ के लिए, एनीमिया के अभियान चला रहे हैं, लेकिन सत्य ये है कि वो गैप बढ़ता ही जा रहा है। अब क्या इम्पोर्टेंट है ये सब जानते हैं, इसमें मैंने कोई नई बातें नहीं की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कुछ छोटी छोटी कोई संस्था और रिपोर्ट ये नहीं है, कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिपोर्ट है, उसका मतलब ये कि ये बहुत एनालिसिस के साथ और बहुत स्टडीज के साथ और सही डेटा के साथ, क्योंकि अपने कई बार अपने देश में ये हो रहा है कि अपना डेटा ही खो जाता है या डेटा आगे पीछे हो जाता है, ये सब तटस्थ डेटा के साथ याद रखा गया है, उसका मतलब ये कि हमें इसमें दो पहलू आएंगे आपको बता दूं, एक एज अ सिटीजन आएगा और एक एज अ एडमिनिस्ट्रेशन बोलो, पॉलिटिकल बोलो, क्योंकि पॉलिटिशियंस देश चलाते हैं, ठीक है, और ऑब्वियसली हम नागरिक हैं, हम कम्युनिटी के सिटीजन है, तो मैं दोनों पहलू पे थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगी। अभी सबसे पहले मैं पॉलिटिकल व्यू से बताना चाहूंगी, जैसे आप ही ने बताया कि भाई पॉलिटिक्स में 14%, फिर भी हमारी जो महिला मंत्रियां है वो बड़ा गर्व करती है, अभिमान करती है कि भाई इतनी सारी ये पार्टी ने इतनी सारी बहनों को सीटें दी और अरे सॉरी मिनिस्टर बना, लेकिन वो गिने चुने 3-4 ही हाथ में है। अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि जो हमारी बाकी जो बहनें हैं वो ये हम उनको कह के समझा रहे कि अगर देश को अगर हम हमारी बच्चियों को बचाना होगा, क्योंकि अभी देखो तो इंडिया में हर 15 मिनट में 6-7 रेप होते हैं हर 15 मिनट में, यानी आप समझो कि क्या अपने देश की हालत है। सो हम बहनों को समझाना चाहते हैं कि भाई आप ऐसे नेताओं को वोट ना दो, क्योंकि देखा जाए तो असेंबली और लोकसभा में भी करीब 35-40% नेता ऐसे हैं जो जिनके गंभीर गुना है, छोटे मोटे गुना नहीं है, गंभीर गुना है। यानी ये मैं समझाने की इसलिए कोशिश कर रही हूँ, स्टैटिस्टिक्स से दे रही हूँ ताकि हमारी जनता जागरूक हो कि अगर तुम ऐसे ही लोगों को सीट पे बिठाओगे तो क्या उद्धार करेंगे, बहनों का भी क्या उद्धार होगा, मेरे देश का भी क्या उद्धार होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि अपने क्या कहते हैं, यथा राजा तथा प्रजा जो कहते हैं, और अभी तो लोग कह रहे हैं कि भाई कलयुग है तो कलयुग में तो यही होने वाला है, क्योंकि भगवान ने वही श्राप दिया है कि तो बुद्धिया हम लोगों की है, आप और हम सबकी जो वोट देते हैं वो बुद्धिया, अभी तो वोट भी देने नहीं जाते, वो अभी अलग सीन है, उसका भी बाद में बात कर लीजिए। So, एक पॉइंट ये पॉलिटिकल थी, यानी हमको हमारी जो विल जो पहले हमने लेटर से, जब मेरे को याद है जब निर्भया हुआ था, हमने हम सब कम्युनिटी ने, सोसाइटी ने, लोगों ने इतना सारा क्या कहते हैं आंदोलन टाइप किया था कि भाई हमारी बहनों को न्याय मिले, नया लॉज भी आया, लेकिन फिर क्या हुआ, वही रेप का केसेस बढ़ गए। अगर आप जॉब्स की बात करो तो सी बहनों को इसलिए ये सब प्रॉब्लम सहन करनी पड़ती है क्योंकि देयर वल्नरेबल टारगेट, उन्हें वीक माना जाता है।
और वीक इसलिए क्योंकि हमारी बहनें बोलती नहीं है, हमारी बहनें चुप बैठती है, और दूसरी के जो पोजीशन होती है जैसे कि दो पांच बहनें पोजीशनों पे आ जाती है, हमें समझा दी ये पूरा एनालिसिस हुआ ग्लास सीलिंग का, ग्लास सीलिंग के एनालिसिस ऐसा ताकि बहनों को हाई पोस्ट क्यों नहीं क्यों उनका स्ट्रगल करनी पड़ती है। अब पता चला कि जब पूरी एनालिसिस बता रही क्या हुआ था कि जब पता चला कि हाँ सामाजिक रीजन के लिए भी और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बोलो या जेंडर इक्वालिटी गैप बोलो उसके लिए भी बहनों को हाई पोस्ट नहीं देते थे। अब कुछ बहनें जो अपनी लड़ झगड़ के काबिलियत पे लड़ झगड़ के हाई पोस्ट पे आ जाती थी। अब होता क्या था कि ये बहनें सीलिंग तो ग्लास सीलिंग तोड़ दी उसने, लेकिन अब ये बहन समझती थी कि नहीं मैं ये देखूंगी कि मेरे को तपस्त रहूंगी और मैं किसी और बहन को आगे नहीं आने दूंगी। आप समझना मैं क्या मीन करी, ये रिसर्च हुई है, आप देखोगे ये सारे हाई पोस्ट पे। और एक बार जब हमारी बहनें पोस्ट पे आ जाती है तो उनके दिमाग में ये डाला जाता है कि अब आपको इस पोस्ट पे आने के बाद दूसरे, क्योंकि यू नो दे हैव टू शो देयर सुपीरियरिटी। तो ये एक पॉइंट था। दूसरा मैं सामाजिक पॉइंट कहना चाहती हूँ, एग्जाम्पल है। अब मैं एक फ्लिप साइड भी आपको दे दूंगी, छोटा सा एग्जाम्पल दे दूंगी, फिर आपने और बातें नेक्स्ट स्टोरी पे लेंगे। ठीक है भाई, बैंक में मेरे में बैंक में बात हुई तो उन्होंने कहा कि रुदन हम चाहते हैं बहने मैनेजर और ऊपर वाला पोस्ट ले, लेकिन बहने आगे ही नहीं आती लेने के लिए। तो मैंने कुछ बहनों से बात की, मैंने कहा भाई क्यों नहीं पोस्ट ले रहे आप लोग, अच्छा दे रहे हैं चाहते हैं। तो बहने बोली कि मैडम हमें पोस्ट लेने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम पोस्ट लेंगे तुरंत हमारा एज पर देर रूल के जो भी होता है सारी डॉक्यूमेंट हमारा बदली कर देंगे। अब बदली करने में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो जाने के लिए तैयार है जहां बोलेंगे, लेकिन हमारे हमारा पति हमारे बच्चे वो मना करते हैं। हम तो जैसे कि एक हमारे मित्र की बात करूं, उनको पोस्टिंग मिली थी लेटर से अहमदाबाद में पोस्टिंग मिली थी बड़ौदा में, तो वो बेचारी बहन अच्छे मैंने देखा पोस्ट अच्छा था, लेकिन उसको फिर बच्चों ने तो मना कर दिया, पति ने भी कहा नहीं मैं तो घर पाया मैं तो नहीं बदली करूंगा। तो बेचारी बहन को रोज सुबह शाम बड़ौदा अप एंड डाउन दो घंटे जाने के लिए, दो घंटे आने के लिए, समझो बेचारी बहन टूट गई। इसीलिए बहने कहती है कि भाई जब आप लोग कंसिडर नहीं करते हो तो फिर हम सामाजिक कंसिडरेशन भी नहीं हुआ, बैंक ने भी कंसिडरेशन नहीं किया। तो इसीलिए सर, इसलिए अगर जब तक हम ये सब को हैंडल नहीं करेंगे, ये तो एक एग्जांपल छोटा सा दिया था, ऐसे तो 50 एग्जांपल है, जॉब पे बोलो, हेल्थ पे बोलो, खाने बहनों को खाना नहीं मिलता है, सोशल माइंडसेट बोलो, मैं आप नेक्स्ट में आऊंगी। लेकिन इसके कारण हमारा देश जब तक ये प्रॉब्लम नहीं कर पाएगा हैंडल, तब तक आगे नहीं बढ़ने वाला है। और ये लोग जानते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी बोलो या जो कॉर्पोरेट बोलो बैंक बोलो सब जानते हैं, लेकिन उनको करना ही नहीं है क्योंकि वो चाहते हैं कि बहने हमें दबा के रहे, इसीलिए वो करना चाहते नहीं है। और फिर हम लोग शायद हो सकता है नेक्स्ट वाली इकोनॉमिक फोरम में यही रिपोर्ट वापिस आएगा कि भाई 150 में थे हम लोग 150 और नीचे चले गए, 140 के 150 चले गए, सर ये बड़ी दुख की बात। ठीक है, एक रिपोर्ट के अंदर जो बातें खुल के सामने आई है तो आर्थिक मामलों में महिला की जो साझेदारी थी उसे कम बताई जा रही है। क्या हमारा समाज महिलाओं पे भरोसा कर नहीं रहा है कि आर्थिक मामलों में महिला सही निर्णय लेगी, ये रिपोर्ट कह रहा है। हम इस कगार पर आके खड़े कि केवल आर्थिक मामलों के निर्णय पुरुष ही सही लेंगे इस देश की महिला, जबकि आपकी फाइनेंस मिनिस्टर खुद महिला है, फिर भी महिलाओं की साझेदारी आर्थिक मामलों में रिपोर्ट कह रहा है कम है। मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या वजह आप देख रही है इस चीज के पीछे। सुनील जी, जो पहले भी बात की मैंने कि पॉलिसी डिसीजंस की बात में इधर सेंसिटिविटी पॉलिसी सेंसिटिव पॉलिसी नहीं बनती। जब हम भी आर्थिक ऑर्डर की बात करते हैं तो शुरू में काफी देश आज भी ऐसे हैं वर्ल्ड में जहाँ पे महिला अगर जॉब करती है तो उसको इनकम कम दी जाती है, उसको सैलरी कम दी जाती है, और अगर पुरुष सैलरी ज्यादा दी जाती है। उसका सबसे बड़ा रीजन जो होता है, जब ये नियम बनाए जाते हैं, ये नियम बनाने के लिए एक महिला रिप्रेजेंटेटिव हर कमिटी में हो, वो सेंसिटिविटी की बात तभी आती है, वो रिजर्वेशन की बात नहीं है, हम उसको रिजर्वेशन के साथ जोड़ते हैं। पर जेंडर सेंसिटिव आवश्यक है। जब हमारे देश में एक जेंडर सेंसिटिव पॉलिसी बनेगी, दूसरा पुरुष प्रधान जॉब है तो वो अच्छा काम कर सकता है, क्या महिला सक्षम नहीं है। मेंटल स्टेटस बहुत इम्पोर्टेंट है। हम कॉन्टेस्ट में इतने चले गए कि हम मेंटल स्टेटस की ओर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं।
महिला आज काम करके आती है तो घर का काम तो करना ही है, पुरुष काम करके आते हैं तो वो पॉलिसी डिसीजन लेते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं तो काम नहीं कर सकते। हमको समाज में भी ये जागरूकता लानी पड़ेगी, हमको जो इतना इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, हमको इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ाने के लिए पॉलिसी मेकिंग सबसे इम्पोर्टेंट। जितने कंट्रीज में हमने हमने जो वर्ल्ड की जो आपके आज की जो रिपोर्ट आई है उसमें हम देख रहे हैं कि फर्स्ट 10 कंट्रीज, सुजल जी मैं वो पढ़ रही थी कि उनकी सफलता के क्या रीजन है, उन्होंने किस तरह से ये इम्प्लीमेंट किया होगा कि ये रेशियो ड्रॉप कम है, गैप कम है उनके में, सब उन्होंने हर फील्ड में का इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, 39% से लेके 50% तक के हर एक क्षेत्र में महिलाओं का प्रदान गया है, और उनकी काबिलियत को देख के सिर्फ वो है पुरुष है अच्छे से घर ग्राम्य विस्तार के है उसको ध्यान में नहीं रखा है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सेंसिटिविटी इम्पोर्टेंट है, एंड सेंसिटिविटी एंड मेंटल अवेयरनेस ऑफ ईच एंड एवरी पॉलिसी मेकर्स। ठीक है रुजान जी, आपसे भी जानना चाहूंगा आप किन वजहों को देख रही है कि आर्थिक मामलों में महिला की भूमिका बड़ी संक्षिप्त होने लगी है, आप इस चीज को किस तरह से ले रही है? See, आर्थिक मामले की बात करें तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट अगेन टू दोनों बताऊंगी, एक सामाजिक रीत बता दूंगी, सामाजिक रीत का एग्जांपल देना चाहूंगा। एक हमारे मित्र है उनकी बेटी को उसने पैसे दिए, उसकी बेटी को दुकान लगानी थी, बेकरी लगानी, ठीक है, ठीक, तो उसने अपनी बेटी को पैसा दिया बेकरी लगा के, बेटी बड़ी खुश भी हुई कि मेरे डैडी ने मुझे पैसा दिया बेकरी लगा के, और पता है डैडी ने क्या बोल के बेटी को पैसा दिया, बेटी को पैसा, मान लो मैं एग्जांपल है कि भाई 50 लाख दिए, तो बोला पैसा देके ये खेल लो 50 लाख और क्योंकि तू लॉस करेगी तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं क्या। तो आप समझो जब फादर की ये मेंटालिटी है कि बेटी को कहती है कि जा तू लॉस करेगी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, कभी किसी ने अपने फादर ने अपने बेटे को पैसा देके दिया है कि ले जा तू लॉस करेगा मुझे प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम यहाँ सर चालू होती है कि एक तो पढ़े लिखे ले लोगों की माइंडसेट क्या है पहला पॉइंट, अब दूसरी पॉइंट एंटरप्रेन्योर्स की जो हम लोग बात करते जो आपने बताया कि यस कम हो रहा है। अब एंटरप्रेन्योर में दो चीज है, एक तो एक एंटरप्रेन्योर के जो खुद अपना बिजनेस एंजल इन्वेस्टर यानी ऐसे पप्पा ने पैसे दिए यहाँ वहां से करता है, सबसे पहले सर क्योंकि मैं भी एंटरप्रेन्योर हूँ, सबसे पहले यही पॉइंट आता है कि भाई तुम शादी करोगे तो बिजनेस का क्या होगा? मुझे यही समझ नहीं आता है कि शादी का मतलब ये थोड़ी कि बिजनेस बंद कर देते हैं, भाई कंपनी है, बिजनेस है, इंस्टीट्यूशन है, हायरार्की है, उस तरह चलता है, लेकिन लोगों को माइंडसेट पर वो बात नहीं आती है। दिस वर फ्रॉम द एंजल इन्वेस्टर पॉइंट, जो भी पैसा देता है एंजल इन्वेस्टर उनको ये लगता है कि नहीं भाई, जैसे कोई बताऊ अगर आपको याद हो तो सालों पहले, अभी तो नहीं सालों पहले जब बहने गाड़ी चलाती थी ना तो लोग वैसे नाटक करते थे, बहन गाड़ी चला रही है दूर रहो दूर रहो, लेकिन जितने भाइयों ने इसी चक्कर में सोले हीट हो गई थी। तो ये जो माइंडसेट है वहां पे हमें बहुत काम करना है। अब रहा सवाल, अब ये जबकि ऐसा डेटा है और वर्ल्ड और ये मेरा नहीं कि जब बहनों को माइक्रो फाइनेंस मिलता है यानी बहनों को छोटे 1,50,000 जब माइक्रो फाइनेंस मिलता है तो बहने वो पैसा ब्याज के साथ टाइम से देती है और भाई डिफॉल्ट करते हैं, क्यों रिकॉर्ड है, लेकिन फिर भी हमने क्या किया है जो पुरुष प्रधान समाज है पैट्रियार्कल सोसाइटी है वो हमेशा यही बताएगी कि भाई बहनों को बिजनेस करना नहीं आता, काम करना नहीं आता, जबकि अगर कोई जबकि जब घर में तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर तो लेडीज की होती है वो, और इतनी अच्छी फाइनेंस मिनिस्टर होती है समझा दूं कि वो पूरा घर भी चलाती है और पैसे तो उसी जो पैसे मिलते उसको बचा के अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या घर के कुछ जो भी काम काज एक्स्ट्रा घर की जो भी शॉपिंग है उसके लिए भी रखती है, भले वो खुद एक साड़ी में घूमती है। तो ये लेकिन हम क्या हुआ है हमारी बहनों को ये सब बताना दिखावा आया ही नहीं, हमारी बहनों ने तो सहन करती रही कि ये मेरे नसीब है ये तो वहां पे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अब मैं गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, क्या पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मेरी यहाँ पे स्टार्टअप से बड़े सर से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि हम बहनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लेकिन अब हुआ ये बता रहे हैं इससे कही रहे होंगे ऐसा मैं नहीं कह सकती, लेकिन अब हुआ ये है कि जो बहनों के दिमाग में डाला गया तो कई बार बहने भी समझती है हाँ चलो छोटा मोटा कर दिया, लेकिन जो बड़े काम में वो भी दो बार सोच लेती है कि भाई हमें इसमें कहाँ पढ़ना, हमारी शादी हो जाएगी या फाइनेंस नहीं मिलता है, यानी यार देखो तो पूरी नेगेटिव साइकिल चलती है।
और इसीलिए अगर ये जो रिपोर्ट आया, अगेन आपने कंपेयर किया है तो 2020 और 2021 में भी 2020 में कुछ 28% था और अभी 2021 में 10% आ गया, 9 के 10% आ गया एंट्रोप्रेन्योर, वुमेन एंट्रोप्रेन्योर, ठीक है। यानी आप समझ रहे हो कि एक्चुअली हमारा देश, मुझे शर्म आती है बोलते हुए, लेकिन हमारा देश आगे जाने के बदले पीछे जा रहा है। हमारा देश एक चीज में बहुत अच्छी आगे जा रहा है, अंदर अंदर झगड़े करने में बहुत अच्छी तरह आगे जा रहा है, बाकी मेरा देश पीछे जा रहा है, मुझे उसमें शर्म आ रही है और हमें सबको मिलकर कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, मेरा अगला सवाल भी इसी के ऊपर होगा। आप दोनों से मेरा एक ही सवाल है, आप अपने हिसाब से इसका जवाब जरूर दीजिएगा और मुझे यकीन है मेरे दर्शकों के लिए जवाब जरूरी है, तो मैं सवाल को पूछ रहा हूं। 2012-13 में निर्भया कांड हुआ था, पूरे देश में इसकी आलोचना हुई, आक्रोश आया एक आंदोलन के रूप में, जिसकी जनता सड़कों पर आ गई थी, यहां तक कि सरकारें बदल गई। वही घटना उत्तर प्रदेश की बदायूं में हाल ही में हुई है, यहां तक जो पीड़िता थी उसकी शक्ल उसके माता पिता को दिखाई नहीं गई और पुलिस ने अग्निदाह दे दिया, लेकिन देश में से एक आवाज नहीं आई। 2012 से लेकर अब तक का जो सफर रहा है, एक अजब सी खामोशी में महसूस कर रहा हूं, आप दोनों इस खामोशी की वजह क्या देख रही है? रुझान जी आप ही दे दीजिए जवाब, आवाज से बाद में ले लेते हैं। अब हुआ ये है, आपने बहुत अच्छी बात की सुधीर जी, कि 2012-13 में, क्योंकि मैं ये फील्ड में 12-13 से ज्यादा हूँ, ज्यादा आई हूँ और मैंने बहुत करीब से देखा है 12-13 से, हुआ ये कि हमारी बहने भाई सब लोग जागरूक हुए, सबने आंदोलन किए और सरकार भी बदली। वन ऑफ द रीजन ये भी हो सकता है कि सरकार बदली के लोग कंटाल गए थे कि भाई बहनों की सुरक्षा, लेकिन हुआ ये कि अब लोगों की जो फंडामेंटल्स है वो बदल गए। अब बदले यहाँ पे कि लोगों को ये कंफ्यूजन आ गया है कि जैसे कि अगर मैं कुछ भी सरकार के आगे पीछे बोलूंगी तो मुझे पाकिस्तान भेज देंगे, मुझे देश रोएगी। हाँ, आप मेरे जैसे नहीं हो तो पाकिस्तान के हो, क्यों जी? रुझान जी से संपर्क छूट गया लगता है। हाँ, आप लौट आई, आप लौट आई, हाँ वेलकम, आ रही है। मैं आपकी बात शुरू करता हूँ, आप मेरे जैसे नहीं हो तो देशद्रोही हो। प्रॉब्लम है तो मुझे मेरे देश की प्रॉब्लम हो रही है। मैं तो फिर भी यानी ये अब ये हुआ क्या कि जो अच्छे लोग थे बोलना बंद कर दिया, अब सुनना मेरी बात, क्योंकि जो आजकल जो सोशल मीडिया जो मिसयूज हो रहा है, और जो वो दो रुपए वाले ट्रॉलिंग के, चलो भाई घुमारो, अगर लेटर से कोई बेचारी लड़की बोलेगी तो उसको तो रेप, उसके बच्चों को रेप कर देंगे, उसकी रेप कर देंगे, धमकियां मिलनी चालू हो जाएगी, और सामने से वो लड़की को प्रोटेक्शन नहीं मिला, एग्जाम्पल दे रही, क्या वो भाई को प्रोटेक्शन नहीं मिला, इसलिए लोग चुप बैठ गए, क्योंकि एक लड़की के पास थी, सबको अपनी जान प्यारी होती है, सबको अपनी डिग्निटी प्यारी होती है, वहां हमने सोचा कि भाई अगर लेटर से कोई परवाह नहीं करता तो हम क्यों करें। अब हुआ ये कि सोशल मीडिया में कुछ लोग जो थे वो चुप बैठे तो और लोग चुप बैठने लगे। अब सुनने वाली बात, अब एक तो ये दूसरा रिलीजन पे आ गया, नाच जात पे आ गया, लोग भूल गए कि भाई सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत, सबसे बड़ा धर्म है, लोग भूल गए, लोग ये भूल गए कि भाई मेरा समाज भारत देश है, मेरा समाज है मेरा भारत देश। लेकिन अब हुआ ये कि लोगों के दिमाग पे ये डाला गया, और हमारे प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या है सर, कि भले पढ़ी लिखी प्रजा है, मैं मना नहीं करूंगी, पढ़ी लिखी प्रजा है, लेकिन हमारी प्रजा की फंडामेंटल तो प्रायोरिटीज कुछ और हो गई है, और इसके कारण अब हमारी बहनों को भी, मैं मेरी बहनों की बात करूंगी, भाइयों को भी भूल जाते थे, मेरी बहनें भले बोलेगी कि मुझे डर लगता है मेरी बेटी बाहर जाती है तो डर लगता है, हमें भी डर लगता है, लेकिन तू करना क्या है, कुछ तो हमें करना पड़ेगा ना, बोलने से तो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन ये हमारी बहनें नहीं समझती है। प्रॉब्लम सर अभी वही हो रही है, और इसीलिए हम तो बोलते रहेंगे सर, भले हमें कुछ भी बोला जाए हम हमारा काम करते रहेंगे, और इसी आपका जो कह रहे हैं इसलिए हम लोग बदते जा रहे हैं। मेरे बोलने का फर्क नहीं पड़ेगा सर, डेटा बोल रही है, रिपोर्ट बोल रही है, आपने तो खाली एक केस बता, दूसरे केस में कितना हद तक की वो लड़की को बेल पे कर रहे हैं, वो जो रेपिस्ट था उसको बेल पे छोड़ा गया और रेपिस्ट ने जाके उसकी फैमिली को मार डाला, इतनी हद तक की स्टोरी है, लेकिन सर मेरा दिमाग काम नहीं करता, लेकिन क्या बोल रहे हैं सर, अभी तो इट्स हैपन ओनली इन इंडिया, आप ये कह के बात अपनी खत्म कर सकती है, इट्स हैपन ओनली इन इंडिया। आवा का पक्ष ले लेते हैं। रुझान जी ने बहुत सही बात की सुजल जी, मैं काफी हद तक उनसे सहमत हूँ। मेन बात जो हम भूल जाते हैं वो ये है कि हम भारतीय हैं, हम भारत नाथ जात
आशा सबसे परे होके अगर हम सोचते हैं तो हमारी बेटी बहन की सुरक्षा भी हमारी जिम्मेवारी है। हम डर जब बोला कि हमें क्या, तो हमारे घर में बेटी है, हमारे घर में छोटा भाई है, परिवार है, हमारी जवाबदारियां जिम्मेवारियां, उसके चलते हम किसी और के इन सब मामलों में दखल नहीं देने का भय जो हम है, उस भय से बाहर निकलना पड़ेगा। हम कब तक सरकार पे डिपेंड रहेंगे, हम कब तक सोसाइटी पे डिपेंडेंट रहेंगे, हम कब तक हमारी पुलिस फोर्स है, डिफेंस सर्विसेज है, एज ए सिटीजन मुझे लगता है कि जिस दिन हम जागरूक हुए, हमारी हमारे हाथ में, और रुझान बारे में तो मैंने सुना है कि डिफेंस की बहुत अच्छी तालीम भी देती है, जिस दिन हमारी बेटी ये सीख गई कि मेरी घर घर रानी लक्ष्मीबाई पैदा कर रही है, बिल्कुल वो ही चाहिए, मुझे लगता है कि वो समय आ गया, सम्मान करते हैं उनके काम का। हम क्या करते हैं कि हम हमारी बेटी फिल्म सिलेक्ट करना है तो सॉफ्ट फिल्म सिलेक्ट करो। आज घर में से, आज की मैं बात करूं, मेरा हमेशा से एक आह्वान रहा है, गुजरात के परिवारों को आह्वान रहा है कि अगर हम हमारी आर्मी नेवी एयरफोर्स देखे भारत देश की, तो गुजरात की बहनें बहुत कम होती हैं, बेटियां कम है उसमें। मेरा ये अनुरोध है कि हम उसमें भी आगे बढ़े, हमारी खुद की सुरक्षा करना भी सीख, और जिस दिन हम हमारी और हमारे साथ काम करने वाली बहनों की सुरक्षा को देखेंगे, उस दिन ये रेप जैसी बातें बहुत छोटी होंगी। क्योंकि आगे दो बात आई, हम अगर वैसे आप मीडिया से जुड़े हैं, हर सेकंड हर मिनट एक बेटी का रेप होता है, न्यू बॉर्न बेबी हो चाहे वो 50 साल की महिला क्यों ना हो, हम हर एक के बारे में बात नहीं कर सकते, ना के बारे में उनकी वो सेंसिटिविटी को फील कर सकते, तो हमें खुद को हमारी सुरक्षा का प्रमाण देना होगा। जी ठीक है, आपकी बात खत्म हो गई है। जी जी सुजल जी, ठीक है, आप इंटरनेट का जमाना है और उसी के आधार पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो कहीं इस तरह की दिक्कतें आती है। खैर, मेरा एक आखिरी सवाल आप दोनों से एक ही सवाल रहेगा, और आप अपने अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए, कार्यक्रम को खत्म भी करना है। क्या वाकई भारत के लोगों को महिला सम्मान दिवस यानी के 8 मार्च सेलिब्रेशन करने का अधिकार है? मैंने ये महिला कुछ थोड़ा बताऊंगी, बहुत इम्पोर्टेंट बात बताऊंगी, महिला से दो बात बताऊंगी सकती, अरे मैं अलाउ करता हूँ। थैंक यू। सबसे पहले मैं ज्ञानी को मिली थी महिला दिन के कुछ दिन पहले ही, और ज्ञानी से बात की, मैंने कहा सर आपने ये सब महिला और देवी देवताओं की पूजा करते, बीच में वो नवरात्रि गई थी तो उसमें लोगों ने उपवास भी कर दिए थे और भाइयों ने खास उपवास किए थे, तो मैंने कहा सर एक बार जो ये होता है घर में, ये जो घरेलू हिंसा होती है, ये रोज के घर में होता है, फिजिकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, मैंने कहा ये देवी वर्ष कहा जाता है सर वहां पे, तो वो ज्ञानी ने मुझे बहुत एक अच्छी चीज बताई थी, और उन्होंने ये बताया कि देखो ये जो देवी देव देवी होगी स्पेशल देवी की जब पूजा की बात करती है तो आदमी के दिमाग में सिर्फ दो चीज होती है, एक आधर आदमी काम करता है भय से, डर से या लालच से। जी सबसे पहले उसको लालच है कि अगर मैं देवी की पूजा करूंगा, लक्ष्मी देवी की करूंगा, सरस्वती देवी की करूंगा, तो मुझे ज्ञान मिलेगा, मुझे पैसा मिलेगा, इसलिए वो लालच से करता है, या वो भय से करता है, अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे नहीं मिलेगा, इसलिए बोला कि ये जो आप समझते हो कि देवी देवताओं की पूजा हो रही है तो वो इसी कारण हो रही है, कोई गलत फहमी में मत रहना। एक पॉइंट ये था। दूसरा, अब आपने जो महिला दिन की बात की सर, आप भी तो सीखा, लेकिन कुछ उसमें भी बताना है, आपने भी प्रेरणा दी थी, मुझे याद है एक महिला दिन हम लोग साथ में थे ना, लेकिन मेरे को ये महिला दिन पे उसी प्रेरणा से मैंने आगे बढ़ाया कि ये महिला दिन ऐसे ऐसे हम लोग बोलते हैं क्या जरूरत है महिला दिन की, भाई 364 तीन बहन भाई तो है, सबने सुना होगा, इसलिए सर मैंने कहा कि नहीं 365 में से 364 दिन बहनों के हैं, एक दिन ये उन मर्दों के लिए है, उन वो हस्बैंड्स के लिए है जो अपनी जो उनकी बीवियां उनसे पहले उठती है, उनसे लेट सोती है, फिर भी अपनी बीवियों को मारते हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, डिग्निटी नहीं रखते, तो ये महिला दिन उस दिन के लिए कि वो अपने पति अपनी वाइफ को हैप्पी वुमेंस डे करे, ये वुमेंस डे उन भाइयों के लिए है जिसकी बहन खुद को एक चॉकलेट मिलती है ना, तो उस चॉकलेट में से भी भाई को दे देती है, खुद नहीं खाती है, ये उन भाइयों के लिए है जो वो अपनी बहनों को हैप्पी वुमेन्स डे करे, और ये महिला दिन उन लड़कों के लिए है जो वो क्या कहते हैं रास्ते में बहनों की क्या कहते हैं मोलेस्टेशन करते हैं, यूटीजिंग करते हैं, उन लोगों के लिए याद दिलाने के लिए भाई तू एक महिला से ही पैदा हुआ है, और इसीलिए ये महिला दिन उन लोगों के लिए सर है।
ठीक है, आवा, बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन फिर भी आवा। बिल्कुल लगता है सुजल जी कि 8 मार्च देश में सेलिब्रेट होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम हमारे प्रिय होने के मूल्यों को इससे साकार कर सकते, इससे लोगों को पूरे विश्व के आगे उसका प्रतिबिंब दिखा सकते हैं। आज भी वो भारतीयता हम सब में कहीं ना कहीं है। जो हम अलग अलग क्षेत्रों की बात करते हैं, वो क्षेत्र को जीना है। ये 8 मार्च के माध्यम से भारत देश को उस क्षेत्रों को जीना है और उस क्षेत्रों में महिलाओं को आगे लाना है। आज हमने बिल्कुल ये स्टैटिस्टिक से देखा कि 156 से 1 आ गए हम लोग, पर अब 140 से 100 के अंदर आने की यात्रा, 50 के अंदर आने की यात्रा और विश्व में एक यात्रा शुरू करने के लिए महिला दिन सेलिब्रेट करना भारत में आवश्यक है। और हर क्षेत्र में चल जाए, एजुकेशन में, हेल्थ में, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक रेस में एंड ओवरऑल पॉलिसी डिसीजन, ये 5 क्षेत्र में हर साल सेलिब्रेट किया जाए। चलिए रुजान जी से आखिरी स्टेटमेंट सुन लेते हैं, फिर कार्यक्रम को खत्म करते हैं। जी रुजान जी, एक चीज ऐड करने की मुझे खास कि जैसे मैडम ने बोला उसी में से करते हैं, मैडम चाहते हैं कि हम लोग 150 में से 100 के अंदर आ जाए और 50 के अंदर आ जाए, तो उसका सॉल्यूशन है और हमारे देश को तो आता ही है, लेकिन हमारा देश करता नहीं है। जब उसको डिमोनेटाइजेशन करना था रात को 12 बजे बोल दिया था कि भाई कल से पैसा बंद, 100 रुपया रोज भी नहीं, या हमको जो ट्रैफिक का देखा था तो ट्रैफिक में वो 1000-1000 रुपए का दंड चालू हो गया था। इसको भी शॉक ट्रीटमेंट कहते हैं। अब महिला के लिए भी हम लोग सीरियस है तो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज को या जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे, उसको ये शॉक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। और सबसे पहला शॉक ट्रीटमेंट यहाँ से आएगा, ये बता दूं कि एग्जाम्पल है, अगर रेप बढ़ रहे हैं तो भाई जल्दी से न्याय करो और शॉक ट्रीटमेंट देना चालू करो। जैसे जैसे याद है अभी लोग क्या कहते हैं, रेड लाइट क्रॉस करते भी डर जाते हैं, ऐसा ऐसा डर नहीं है लोगों में क्योंकि उनको शॉर्ट ट्रीटमेंट नहीं मिला है। बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन शॉर्ट ट्रीट। फिर दूसरा पार्ट, दूसरा एग्जाम्पल, ये जो रिजर्वेशन, मैडम ने बहुत सही बात की, ऐसे मैं रिजर्वेशन के अगेंस्ट हूँ, मैं टोटली अगेंस्ट हूँ रिजर्वेशन के, लेकिन अगर हमें शॉर्ट ट्रीटमेंट देना है तो हमें रिजर्वेशन लाना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं दूसरा बोल रहा हूँ, मैं रिजर्वेशन को भीख या दान में नहीं मांग रही हूँ क्योंकि मेरा हक छीना जा रहा है। एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, रिसर्च हुई है, वो भी आई थिंक बहुत बड़ी यूनाइटेड नेशंस की वहां से रिसर्च है कि अगर लेटर से आपके पास 100 बायोडेटा है, एग्जाम्पल दे रही, 100 बायोडेटा है, ठीक है, उसमें किसी का भी आप नाम मत रखो, भाई बहन का नाम बंद कर देना कि जेंट्स का बायोडेटा है कि लेडीज का बायोडेटा है, तो अगर आप नाम बंद करके कैंडिडेट हो गए तो आप 70% ज्यादा बहनों को सिलेक्ट करोगे। इसका मतलब कि बहनें सक्षम है बिल्कुल, लेकिन उनको चांस नहीं मिलता। इसीलिए अगर रिजर्वेशन हो जाएगा तो चांस मिलेगा और तभी पॉलिसी डिसीजंस में फर्क पड़ेगा सर। इसीलिए मैं रिजर्वेशन मांगूंगी और हमें शॉर्ट ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, वरना दूसरे 50 साल भी आप और मैं यही डिस्कस करते रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आवा आपका भी शुक्रिया, रुजान जी आपका भी शुक्रिया। तो ये चर्चा थी जेंडर गैप रिपोर्ट के ऊपर, इन दोनों महिलाओं ने अपना पक्ष रखा, महत्वपूर्ण बात है। रुजान ने जो कहा उसे समझने की जरूरत है, और समझना ही केवल काफी नहीं है, उसका चिंतन करने की जरूरत है कि आप सरकार पे, आप अपने समाज पे क्यों डिपेंड रहते हैं, आप अपने महिला का सम्मान करने की शुरुआत आपसे ही क्यों नहीं करें। बिल्कुल सही बात है, आप सड़क पे निकले और अकेली देर रात को अकेली लड़की को जब देखते हैं तो मेहरबानी करके ये मौका ना समझे, ये जिम्मेदारी समझिए, क्योंकि हम 156 देशों की सूची में से 140 देश पे आ गए, 140वां नंबर भारत का है। अगर हमें और नहीं गिनना है तो हमें अपने आप को बदलना होगा। जब तक इस बात को आप ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हम पायदान हमारा गिरता ही जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, एक बुद्धिमान जो पुरुष होता है उसके उसके लिए एक महिला एक सम्मान्य होती है, एक रूह होती है, और जो वाकई बुद्धिमान नहीं होता है उसके लिए महिला केवल एक जिस्म है। ये बहुत ही बारीक अंतर है। अगर हमने ये समझ लिया तो यकीन मानिए हम 140 से 100 नंबर पे चले जाएंगे, और मैं चाहता हूं आइसलैंड को हम ओवरटेक करके नंबर 1 की सूची पे आ जाए, यही मेरा भारत होगा, और तभी हम लोग कह पाएंगे जय हिंद। कार्यक्रम को यहीं रोकता हूं, फिर से ऐसे विषय के साथ आपके पास आऊंगा। नमस्कार।